जी है, क्या नाम है उनका? मेहताब जी। कहाँ के हैं जी? अब तो बरेली ही रहने वाले हैं। नहीं, वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हसनपुर के। हसनपुर के हैं। तो जो मैंने आपको डब्बा दिया था उससे जो है आपने इसको खिलाया, तो पहले दूध कितना दे रही थी, अब कितना दे रही है? पहले 1.5 लीटर हो, हाँ, अब 3 लीटर से ऊपर है, 3.5 के दे रही है। कितने दिन में हो गया इसको? इससे हो गया करीब 8-9 दिन हो गया मेरा तो। 9 दिन हो गए। कौन सी वाली भैंस है इनमें से? जय। कौन सी? जय वाली। जय वाली। और चारा पकड़ रही है पहले से? हाँ, खूब खा रही है अब तो। सही खा रही है। सही खा रही है। हाँ, मतलब जो है 2 लीटर रोज का दूध बढ़ गया है। और दूध अब सही दे रही है मामी। देखो तुम्हारे सामने बता रहे हैं, ठीक है। और ये मैं हूँ रविंद्र सिंह राठौर, ये मैंने डब्बा इन्हीं को दिया था। मेरे यहाँ पर दूध लेके आते हैं और मेरे ये गांव से, मेरे ननिहाल से भी हैं, लेकिन साथ में जो है भैंस को बड़ी समस्या हो गई थी, दूध देना 1.5 लीटर पे आ गई थी। तो मामा कहाँ गए हैं? कहीं शहर में गए हैं, किसी के पास नहीं। अच्छा, इसका रख रखाव कौन करता है, भैंसों को देखभाल कौन करता है? हम ही करते हैं। आप करते हो, यानी भैंस का चारा भी आप खिलाते हो? हाँ। दूध भी आप देते हो? हाँ, दूध भी देन जाते हैं, दूहते भी हैं और वो भी दूह लेते हैं। तो वो खिला कैसे रहे हो? खिलाए से उसमें मिला के चारा और वो दवाई पानी डाल लेते हैं थोड़ी। चारे में मतलब आटे या लोई में नहीं दे रहे हो? आटे और लोई में देना है। आटा खाती ना? तो फिर एक काम, रोटी में दे दो। रोटी ना खाती? गुड़ में दे दो। मिठाई ना खाती, बस चारे में खा लेगी, कोई चीज नहीं खाती। अच्छा, कुछ नहीं खाती है। चलो अब आप जो है इसको रेगुलर देते रहिए, दिक्कत नहीं होगी। कीड़े की दवाई दे दी थी? हाँ, कीड़े नहीं लग रहे इसके। नहीं निकले? ठीक है जी।